हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हर स्टूडेंट ये चाहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे मिस ना हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से, आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो यहां पर आप लोगों को एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और दूसरी बात आप लोगों को पता होना चाहिए हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो पूरे चांसेस रहते हैं कि वो आपसे 1 मार्क्स में एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कराएं। एंड इसी पर बेस हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या नीड है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां से तो बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से आप लोगों को ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के पास फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन प्लस 2 to 3 एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्दर डिवाइड होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये तीनों विद एग्जांपल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस 2 एग्जांपल्स इनके भी आप लोगों को देख के जाने हैं। और कोशिश करो कि जो एग्जांपल्स आप लोग लर्न करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से करो, क्योंकि वही एग्जांपल्स ज्यादातर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। नेक्स्ट वन है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहां पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सब्सटेंस रिड्यूस होगा, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की डेफिनेशन प्लस 1 एग्जांपल आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें थर्ड वन, कहता हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब ये कहता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, तो भाई केमिकल रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कोई गैस इवॉल्व होगी या स्टेट में चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होंगे, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट पर अगर हम लोग बात करें बेटा कोरोजन की, तो यहां पर कोरोजन की मैं आपको एक तो डेफिनेशन बताना चाहिए, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन एंड द प्रिकॉशंस, तो ये तीन बातें आप लोगों को कोरोजन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें रेंसिडिटी की, तो ये हमारा लास्ट वन टॉपिक है, दैट इज रेंसिडिटी क्या होती है, भाई ये आपको पता होना चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स आपको पता होने चाहिए, कैसे आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।